हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की एलटी शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही आपका जो है बीडीओ बीपीडीओ अभ्यर्थियों को लेकर एक काफ़ी बड़े अपडेट के बारे में, क्योंकि यहाँ पर धांधली को लेकर बीडीओ बीपीडीओ में भी मामला चला हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर जो चयनित अभ्यर्थी हैं नियुक्ति की मांग को लेकर जो है जो विधानसभा अध्यक्ष है उनसे मुलाकात की है, उनको ज्ञापन दिया है। क्या कहा गया ज्ञापन में, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है चयनित अभ्यर्थी जो एलटी शिक्षक भर्ती वाले हैं, उन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जो है नियुक्ति की मांग को लेकर जो है डीएम कार्यालय के बाहर जो है यहाँ पर धरना दिया है। और इस दौरान जो है एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने जो है सरकार से जल्द नियुक्ति दी जाने की मांग की है। साथ ही यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर डीएम कार्यालय के बाहर जो है धरना देते हुए जो है एलटी जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उन्होंने कहा कि पिछले एक साल से हम जो है नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक नियुक्ति नहीं मिल रखी है। जल्द नियुक्ति नहीं मिलने पर जो है उग्र आंदोलन के साथ यहाँ पर आमरण अनशन किए जाने के लेकर जो है डीएम को ज्ञापन दिया है। और साथ ही अगर बात करें यहाँ पर जो बेरोजगार संघ, जो आपके यहाँ पर स्नातक स्तरीय वाले बेरोजगार वाले हैं, यानी कि जिनका बीडीओ बीपीडीओ में जो है चयनित हो रखा है, उन चयनित अभ्यर्थियों ने अब यहाँ माननीय विधानसभा अध्यक्षा महोदया जो कि ऋतु खंडूरी जी से यहाँ जो है मुलाकात कर जो है ज्ञापन दिया है। और माननीय अध्यक्ष जी ने यहाँ पर जो है छात्रों को आश्वासन किया है कि यहाँ पर जो है ईमानदार छात्रों के साथ यहाँ किसी भी प्रकार का जो है अन्याय नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, यहाँ पर आज जो है विधानसभा जो यहाँ पर रितु खंडोरी है अध्यक्ष, उनसे यहाँ पर जो मुलाकात की बेरोजगारों ने, और यहाँ पर आज इनको ज्ञापन दिया है। जल्द ही जो है यहाँ पर कहा गया है कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ जो बुरा नहीं किया जाएगा, बिल्कुल जो नियमित जो चयनित हैं उनको यहाँ पर नियुक्ति देने की बात की है। और चयनित अभ्यर्थी ने भूख हड़ताल किया है, जो कि आप लोग देखते हैं एलटी शिक्षकों ने यहाँ पर जो है लगातार यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन इस तरह का है, जो कि यहाँ पर देखते हैं हर एक न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। एलटी चयनित अभ्यर्थी ने भूख हड़ताल यहाँ पर शुरू कर दिया है, और यहाँ पर देखते एलटी चयनित अभ्यर्थी ने भूख हड़ताल शुरू कर दिया। हर एक न्यूज़ पेपर में अलग अलग कटिंग आपको देखने को मिल जाएगा, भूख हड़ताल पर बैठे एलटी चयनित अभ्यर्थी। ये एक जगह का नहीं है, हर जनपद में आपके जो एलटी चयनित अभ्यर्थी वो बैठे हुए हैं, और 65 दिनों से यहाँ पर ज़्यादा हो चुका है इनको अब प्रदर्शन को लेकर, ताकि नियुक्ति मिल जाए। और इसको लेकर जो है सीएम है, आपके जो मंत्री शिक्षा मंत्री सबसे यहाँ पर मिल चुके हैं। और यहाँ पर देखते हैं एलटी चयनित अभ्यर्थी ने कलेक्टर पर यहाँ पर धरना दिया है, जो कि बागेश्वर का देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह यहाँ पर है। तो हर जनपद में यहाँ पर जो है मांग किया जा रहा है इनका, और बागेश्वर जनपद में भी इनका यहाँ पर धरना प्रदर्शन है, और कहा कि दिसंबर 2021 में परिणाम घोषित होने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने पर जो है जताई नाराजगी। तो यहाँ पर नियुक्ति ना मिलने को लेकर नाराजगी जताई गई है शिक्षकों ने, और इस तरह का यहाँ पर मामला आया है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हर एक न्यूज़ में आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह का अपडेट।